asalaamu as alaikum students i hope you are all doing good and safe at home our today's art topic is still life drawing and shading today we are going to learn how to draw a still life and shade, shading uh, here i am drawing some vegetables uh, you can draw a single item maybe uh, an apple or a glass or a bottle but uh, as you are uh, in the grade 3 अकॉर्डिंग टू योर लेवल आई एम ड्राॅइंग हेयर सम वेजिटेबल्स टू मेक इट रियल स्टिल लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों को uh, शायद पहले भी हो बट आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू दैट कि आप लोग uh, ऐसा आइटम ड्रॉ करते हैं जिसको बाई शेडिंग प्रोमिनेंट करके उसको रियल लुक देते हैं उसको हम स्टिल लाइफ बोलते हैं मींस कि वो आइटम मूव नहीं कर सकता बट आपका वो जो शेडिंग है उसको ऐसा लुक दे देता है कि वो रियल लुक लाइक अ रियल एज़ यू नो आर्ट एक्टिविटीज़ आर फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ़ योर मूड यू कैन रिलैक्स एंड योर माइंड विल बी फ्रेश ट्यूरिंग द आर्ट एक्टिविटीज़ But uh, here uh, uh, I can explain that the still life drawing is a very much good experience of art where you can draw anything but there is no mess because you can only use a single pencil or a paper. A single pencil or a paper and you can draw anything and shade them, you can blend the shade with your finger. बट इट्स बेटर टू शेड इट ब्लेंड द शेड विद टिश्यू पेपर एंड यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगी बच्चों कि आप लोगों ने लेड पेंसिल जो यूज़ करनी है वो एचबी बी की फाइव ट्वेल्व वाली आर्ट की पेंसिल आप यूज़ करें ये इज़िली भी अवेलेबल होती है किसी भी बुक सेंटर पर और न, आप लोग इसको जब शेडिंग करते हैं प्लस इसका शेडो ड्रा करते हैं तो बहुत ही नाइसली यहाँ पर शेडो आप ड्रा कर सकते हैं आपकी होमवर्क एक्टिविटी ये है कि आप कोई भी आइटम ड्रा करें कप ग्लास प्लेट और एनी फ्रूट और उसको शेड करें अल्लाह हाफिज़ स्टे होम स्टे सेफ़